ये पिछला महीना एएमडी के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, बड़ी बुरी बुरी खबरें आई हैं एएमडी की, तो वो सारी बुरी खबरें मैं आपको सुनाता हूँ एएमडी की क्या आई है, और साथ में एक अच्छी खबर सुनाने की भी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बस अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो एंड में बताऊंगा। एंड में क्यों बताऊंगा, जिससे कि मेरा पूरा वीडियो देखो आप। एक खबर ये थी कि 6000 सीरीज के एएमडी के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो जल रहे हैं, फुक रहे हैं, जल रहे हैं। ये कहानी आई थी जर्मनी से, क्रिस फिक्स नाम का चैनल है, वो आप भी जानते हो, सारे बड़े यूट्यूबर्स ने भी उसे कवर किया है कि क्रिस फिक्स ने कह दिया कि ये खराब हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। और मेरे पास ऐसे 50 ग्राफिक कार्ड आए हैं, उन सब में एक ही प्रॉब्लम है और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, सीधे चिप फूक रही है उनकी। जो मेन जीपीयू होता है, ग्राफिक कार्ड तो पूरा होता है, जो मेन जीपीयू होता है ग्राफिक कार्ड में वो फूक रहा है। और ये कह रहा था कि 6800 और 6900 और इनके जो एक्सटी वेरिएंट्स हैं वो इसलिए फूक रहे हैं क्योंकि इन सब पे ड्राइवर्स अपडेट किए गए थे। ये आप मुद्दे की बात रखो, मतलब इन ग्राफिक कार्ड पे कोई ये नहीं कहा जा रहा है कि प्रेशर पड़ा, कि इन पे माइनिंग हुई, कि गेमिंग कर रहे थे, ओवरहीट हो गए। ये कहा जा रहा है कि ये YouTube देख रहे थे, क्रोम चला रहे थे और अचानक ये चलते चलते बंद हो गए। और सुनी तो मैंने भी ये खबर, जब इतनी पॉपुलर हो गई, इसने आग की तरह हर जगह फैल गई कि ग्राफिक कार्ड जो है उड़ रहे हैं AMD के और ड्राइवर्स अपडेट हो रहे हैं, उसकी वजह से अपडेट हो रहे हैं, तो मैंने भी सर खुजाया। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मुझे अंदर की तो बहुत नॉलेज नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी जो पास्ट नॉलेज है उसके बेस पे फैसला कर सकता हूँ। मैंने अभी तक ऐसा पिछले 5-6 सालों में कम से कम ऐसा कभी नहीं सुना कि ड्राइवर्स अपडेट हुए हैं और उसकी वजह से हार्डवेयर फेल हो रहा हो, मैंने आज तक नहीं सुना। पहली बार ये बात आई थी और वो भी बात गलत ही निकली कि ड्राइवर्स प्रॉब्लम नहीं थे, इनके साथ कुछ और हुआ था, ये ग्राफिक कार्ड खुद से नहीं खराब हुए थे, ये एक नॉर्मल बंदे के पास नहीं थे, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं थी। क्योंकि बाद में जब ये जो क्रिस फिक्स ने भी जब इतनी बवाल ही मच गया, उन्होंने तो जो आगे बोलना था बोल दिया, जब बवाल मच गया, हर तरफ फैसले होने लगे, कुछ लोग कहने लगे हाँ AMD के ग्राफिक कार्ड बुरे हैं और नहीं खरीदने चाहिए और देख लो, और बाकी था दूसरी तरफ लोग कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, ड्राइवर्स बुरे हो ही नहीं सकते। जब फैल गया रायता, उसके बाद क्रिस फिक्स आके कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये किसी माइनर के हों, क्योंकि जब मैंने खोले तो उसमें कोई डस्ट ही नहीं थी, जबकि पुराने ग्राफिक कार्ड है, जरा सा भी चलता है उसमें डस्ट होती है। ये क्या अजीब सी बात हो रही है कि इन ग्राफिक कार्ड्स में कोई डस्ट ही नहीं है, यानी कि या तो ये रखे हुए हैं मॉइस्चर से खराब हुए, कुछ इनके साथ अजीब हुआ है, माइनिंग जैसी कुछ चीज इनके साथ हुई है। और दूसरा, वो तो जब कूलर से हटाए आ रहे थे तो वो तो पूरी चिप ही तोड़ देते थे, जैसे ही आपने जो है PCB के ऊपर से वो चिप के ऊपर से कूलर निकाला वो पूरी चिप ही तोड़ दे रहा था। ये नॉर्मल ग्राफिक कार्ड्स नहीं थे, कुछ गड़बड़ थी और ड्राइवर्स का तो कोई वास्ता नहीं था। लेकिन इसमें एक बात ये देखने को मिली कि जैसे ही ये खबर आई थी सारे यूट्यूबर्स उस पर कूदे थे और बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया था कि AMD का ऐसा हो गया है और ड्राइवर्स अपडेट होने की वजह से AMD के ग्राफिक कार्ड उड़ रहे हैं। मैंने भी देखी थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राइवर्स कैसे हो सकते हैं, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स ज्यादा जानते हैं, वो अपनी नॉलेज दे लें। दूसरी खबर आई R5 3600 जो है वो फेल हो रहे हैं, क्यों बर्न कर रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों बेकार हो रहे हैं R5 3600, AMD के CPU, बहुत ही चहेता CPU जो रहा है R5 3600, क्यों फेल हो रहा है वो। नॉर्मली R5 3600 जैसा CPU जो है 70 के नीचे रहना चाहिए, 70 भी ज्यादा ही है, लेकिन चलो उस पे आप लोड डाल लो, 70 के नीचे रहना चाहिए, लेकिन वो जा रहा है 80-90 डिग्री पे। ये खबर कहां से आई, ये खबर आई टेगियस सिटी ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे चीते हैं ब्रायन, यार कितना यार खूबसूरत बंदा है यार, मतलब कसम से यार, मतलब लौंडा अगर खूबसूरत है कहने में कोई हर्ज नहीं है, लौंडा बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने ये खबर बताई कि भाई R5 3600 हो रहे हैं और ये दिक्कत है और मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब बात ये, जेन्युइनली एक मासूम सी बात है कि हाँ भाई R5 3600 फेल हो रहा है या कोई और CPU फेल हो रहा है तो आपने कैसे फिक्स किया, लेकिन कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली बुरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दे की बात बताऊं, खबर वबर गई तेल लेने, ये वीडियो एक बहुत बड़ा मेरे लिए इस समय रीजन बन रहा है। अगर इस वीडियो से एक बात आप याद करके ले जाना चाहते हो तो वो मैं ये कहूँगा कि एक CPU कूलर आपको अलग से खरीदना चाहिए, चाहे AIO खरीद रहे हो, चाहे आप एयर कूलर खरीद रहे हो, स्टॉक कूलर के अलावा फायदा ही होता है। नहीं है पैसे, बजट बहुत टाइट है तो स्टॉक कूलर पे चला लो, लेकिन ये कंसिडर करो कि आपने पैसे बर्बाद नहीं किए हैं, कोई शोबाजी के लिए आपने AIO और एयर कूलर नहीं लिया है, इसका फायदा होगा। दूसरा एक बात याद रखो आप कि ये कूलर भी आपका सालों चलेगा, PSU की तरह सालों चलेगा, आप अगला CPU भी लेके आओगे उस पे भी अपना जो अभी का कूलर है वो आप चला सकते हो। जैसे कि एयर कूलर ले लो, उसमें क्या मूविंग पार्ट होता है, जो आप नॉर्मल एयर कूलर लेके आए उसका क्या मूविंग पार्ट है, फैन। अगर कभी फैन खराब हो जाता है, फैन हटाओ, दूसरा फैन लगाओ, कूलर वही रहेगा। तो ऐसा नहीं है, लंबे टाइम तक आपके पैसे वसूल होंगे, इसलिए एक अच्छा CPU कूलर लेना चाहिए अगर आपको अपने प्रेजेंट CPU की भी लाइफ बढ़ानी है तो।
उसके साथ दिक्कतें आती हैं, नहीं आती हैं, ज़्यादा यूज़ करते हो आप, नहीं करते हो, फ़ायदा होता है कूलर लेने से। वीडियो बना चुका हूँ मैं, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा कि क्या फ़ायदे होते हैं अलग से स्टॉक कूलर के अलावा कूलर लेने से, चाहे AIO ले रहे हो चाहे A कूलर ले रहे हो। फिर खबर आई कि AMD CPUs में वल्नरेबिलिटीज निकली हैं, हैकर ले जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। 31 न्यू वल्नरेबिलिटीज निकली हैं और खासकर सर्वर ग्रेडेड जो CPU हैं उस पे निकली हैं, जो इनके एपिक नाम से आते हैं। और सिर्फ 3 वल्नरेबिलिटीज हैं जो कंज्यूमर बेस्ड CPUs में निकली हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ना कंज्यूमर ग्रेड ये 5600 या 7950X जैसे CPU, आप एपिक तो यूज़ करते नहीं हो। अच्छा, पास्ट में ये लफड़े जो हैं, खबरें जो आती थी कि वल्नरेबिलिटीज निकली हैं, हैकर ले जाएगा सामान, ये आती थी इंटेल की तरफ से, क्योंकि इंटेल पॉपुलर हुआ करता था सर्वर ग्रेड में। कोई हैकर है वो उस हार्डवेयर को टारगेट करता है ना, कि जिसे अगर एक बार मैंने जीत लिया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि जो पॉपुलर है। इसीलिए आप देखोगे क्रोम को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इसीलिए आप देखोगे हैकर विंडोज़ को ज़्यादा टारगेट करता है, लिनक्स विनक्स को कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन इससे एक बात ये प्रूव करते हैं, जब हैकर भी AMD को निशाना लगा रहा तो इससे ये बात प्रूव होती है कि इंटेल से ज़्यादा मार्केट शेयर क्लियरली खासकर सर्वर ग्रेड में AMD का हो चुका है। इसीलिए आप सब जो बुरी बातें भी होंगी वो आपको AMD के CPUs पे दिखाई देंगी। अगली खबर ये थी, ये कोई झूठी खबर नहीं फैलाई गई थी, ये एक्चुअली में सही खबर थी कि 7900XTX जो है बहुत गर्म चल रहे हैं और AMD जो है झूठ बोल रहा है और छुपाने की कुछ कोशिश कर रहा है। और ये सही खबर थी, कई कार्ड्स थे जो बहुत गर्म चल रहे थे। AMD ने पहले कहा कि अरे चिंता ना करो, खराब चल रहे हैं तो हमारा कस्टमर सपोर्ट पे जाओ, हम बदल के देंगे। लेकिन AIB ने भी आगे ये बात कही कि कुछ ज्यादा ही निकल रहे हैं, कुछ दिक्कत ज्यादा हो रही, मतलब इतने हम चेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, लोगों को वेट भी ज्यादा करना पड़ रहा था। AMD का ये कहना था कि हम खराब हो रहे, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आ जाओ हमारे पास, हम बदल के दे देंगे तुम्हें। लेकिन वो बदलने में देर लग रही है। उनका ये कहना था कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बदलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और लफड़ा ये था कि वेपर चैम्बर कूलर जो होता है उसकी वजह से कोई लफड़ा हो रहा था, वो कार्ड्स हीट हो रहे थे, हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत, वैसे ज्यादातर तो नहीं होती, कमी सुनने को मिलता है, लेकिन हो रही है। और इसी बात की तो गारंटी वारंटी है कि ऐसे दिन आए अगर आपके ऊपर कि कार्ड बहुत गर्म चल रहा है तो आप बदलवाए आओ, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस समय दिक्कत बस ये आ रही है कि चेंज होने में थोड़ा सा मसला है, लेकिन कंपनी की बात है, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, लेकिन ये हुआ है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है लोगों को। फिर आप कहोगे मतलब और भी बुरी खबरें एक और खबर है, बुरी तो नहीं है लेकिन मुझे थोड़ी गुस्सा सी आ रही है, मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, तो वो भी बताए दे रहा हूँ मैं आपने। AMD की लैपटॉप नेमिंग जिसने भी डिसाइड करी है, उसने 7-8 तरीके के नशे कर लिए थे, इंजेक्शन भी ठोक लिए थे, कोकेन भी सूंघ ली थी, और जो खा पी सकता था और आंखों में भी डाल सकता था वो सब नशे करने के बाद उसने कहा मैं AMD के जो लैपटॉप है उनकी नेमिंग करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, 7000 सीरीज के लैपटॉप निकाले, 7000 सीरीज के। तो आप कहोगे हाँ नई जनरेशन के, तो नाम समझ में आ रहा है 7000 सीरीज के, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें Zen 4 आर्किटेक्चर के भी होंगे CPUs, Zen 3 के भी होंगे, Zen 3 प्लस के भी होंगे और Zen 2 के भी CPUs होंगे। तो ये जो आपके साथ मजाक किया जा रहा है, फिर ये मतलब 7000 रखा ही क्यों था, क्यों नाम रख रहे हो, फिर कहो ना जिसका जो मना है वो है। अब ऐसे तो मैं अभी इसको एग्जेजरेट कर लूं, 12-15 साल पुराना CPU लेके आऊंगा मैं AMD का, कहूंगा ये भी 7000 सीरीज का CPU है, पुराना आर्किटेक्चर है, कोई आदमी 7000 सीरीज का है ऐसे बेचो। ये जो नेमिंग स्कीम्स होती हैं ये हमारी आसानी के लिए होती है कि 7000 सीरीज का अगर डेस्कटॉप का CPU है तो क्लियरली मुझे और आपको समझ में आता है कि 5950X और 7950X में क्या अंतर है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक बहुत तेज है एक बहुत पीछे है, बहुत क्लियरली बात समझ में आती है। 5600 की आप बात कर लो, 7600 की आप बात कर लो, समझ में आता है। अब मैं कहूँ कि 7000 सीरीज में है लेकिन वो पुराना आर्किटेक्चर भी हो चुका है, वैसे डेस्कटॉप में भी थोड़ा बहुत होता है कि जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर है उस पर भी निकाल दिए और उसी 7000 या 6000 या 5000 सीरीज के अंदर पुरानी जनरेशन को भी निकाल दिया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं है, लेकिन इतनी तो नहीं होती है बिल्कुल भद्दी पीट दो कि Zen 2 भी है, Zen 3 भी है, Zen 3 प्लस भी है, Zen 4 भी है, Zen 5 से 6 से 7 8 सब जो है 7000 सीरीज के अंदर है, काय को नाम रखते हो फिर। अब आप ये भी तो समझो, ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है लैपटॉप खरीदना और समझना, अरे कोई आपको इन्फ्लुएंसर बताएगा भी कि ये लैपटॉप खरीदना है तो वो खुद भी कैसे जज कर पाएगा इतनी प्रॉब्लम्स में। फटाफट जब लैपटॉप आते हैं बिग बिलियन डे, सबको लैपटॉप का वो एफिलिएट मार्केटिंग चाहिए होती है, वो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो CPU समझ लेते अगर तो थोड़ा बहुत गाइड कर लेते, खुद भी समझ लेते तो दूसरे को भी समझा दिया, आपको भी समझ में आ गया। अब जब सबको 7000 सीरीज में है तो फिर फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन। अब आप कहोगे अच्छा तो
कुछ अच्छी खबर सुना। अच्छी खबर ये है कि A620 मदरबोर्ड लॉन्च हो गए हैं। तो आप कहोगे हाँ तो अच्छी खबर है ये, तो मतलब बहुत महंगे महंगे आ रहे थे बी सीरीज के और ये एक्स सीरीज के बड़े महंगे मदरबोर्ड थे, जो 7000 सीरीज का अगर CPU चलाना है, DDR5 RAM चलानी है तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है। A620 सीरीज के आ गए, A620 सीरीज के आ गए मदरबोर्ड। आपको चाहिए थे सस्ते मदरबोर्ड, AMD के पास इस समय सस्ते मदरबोर्ड देने को नहीं है, लेकिन बस यही है जहाँ इतनी भद्द पिट रही हो कि 2650 सीरीज के भी मदरबोर्ड हैं। अगर आपको AM5 सॉकेट का AMD का CPU लेटेस्ट वाला 7000 सीरीज का चलाना है, जिसपे DDR5 RAM भी चलानी है, तो आपको लेटेस्ट मदरबोर्ड लेने पड़ेंगे, AM4 वालों पे चलेंगे नहीं, ये आप जानते हो बात। तो आपको 2650 जैसा मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, जिनकी प्राइस सस्ते से सस्ते भी 18-20 हजार जा रही है। और उसमें आपका थोड़ी बहुत मदद करने आया है A620 सीरीज का मदरबोर्ड, जिसकी अभी मुझे मेरे पास जो डाटा लिखा हुआ वो थोड़ा पुराना है, अभी कीमत वीमत देख लेना, लेकिन सस्ते नहीं होंगे, महंगे होंगे, 10,000 के ऊपर मुझे लग रहा है डेफिनेटली होंगे। वो जमाना गया जब आपको कुछ 4,500-5,000 का मिल जाता था, 4,500-5,000 का आपको लेना ही है मदरबोर्ड, तो जरा पीछे जाओ, अपना AM4 बेस्ट था, इंटेल में आप जाओ, ये नॉर्मल चीज हुआ करती थी। नए भी लॉन्च होते थे, जैसे A520 भी लॉन्च हुआ था AM4 सॉकेट पे AMD का, तो वो भी इतना महंगा नहीं था, वो भी मिल जाते थे 5-6 हजार के अगर नया लॉन्च हुआ है तो भी, लेकिन ये तो 10,000 के ऊपर जा रहे हैं। नाम के ही जो है बजट मदरबोर्ड्स हैं, एक्चुअली बजट मदरबोर्ड्स नहीं है, कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन तब भी कह रहा हूँ ठीक है यार, कुछ आया तो सही, मतलब जबरदस्ती गुड न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने 10-12-14 हजार का A620 खरीद लिया, आपने सस्ते सस्ता क्या खरीदोगे, आपने नए जनरेशन का CPU R5 7600 या फिर R5 7600X 22,000-24,000 का CPU है, 6,000 की DDR5 RAM ले आओगे आप, तो थोड़ा बहुत नपातुल्ला हो रहा है कि चुल्ल तो नहीं मच रही है कि 2023 में अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे अंदर IG है, लगी पड़ी है मेरे अंदर कि मुझे चाहिए वो नया वाला, चाहिए AM5 वाला सॉकेट, मैं AM4 पे नहीं जाना चाहता, थोड़े पैसे खर्च करने पड़े तो मैं कर दूंगा, तो थोड़ी बहुत आपके लिए मदद करने के लिए आया A620 गुड न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बजट मदरबोर्ड तो मैं क्या ही? मेरे मुंह से निकल नहीं रही है A620 के लिए कि बजट मदरबोर्ड है, फिर भी एक्चुअल में कीमत देख लेना, कहीं मैं ज़्यादा ही गुस्सा हो गया हूँ, कुछ अच्छे मदरबोर्ड शायद 10,000 के नीचे मिल रहे हो। तो ये था AMD के ऊपर बुरी खबरों का वीडियो, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहले सब्सक्राइब करें, मैं हूँ IG, आप देखते हैं AMD के चैनल, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।